हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले, आज के समय में मोबाइल फोन जो है हर किसी के पास होता है और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होता है तो वो काम भी हमको कभी ना कभी करना पड़ता है या दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब कंप्यूटर से भेजे गए कुछ फाइल जो हमारे मोबाइल फोन में सपोर्ट नहीं करता। वैसे कंडीशन में आप जो है तरह तरह के ऐप्स वगैरह आप जो डाउनलोड करते हैं और फिर उसमें ट्राई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में एक टूल्स आपको बताने वाले जिस टूल्स को यदि आप अपने मोबाइल फोन में रखिएगा उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए वो सब आपका अपने आप खुल जाएगा। साथ साथ यदि आपको बाय द वे किसी भी तरह का स्कैनिंग वगैरह भी करना है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा यहाँ पे जो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ है, उसके बाद वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट भी दिया हुआ और साथ साथ नोटपैड वगैरह का जो भी फाइल वगैरह रहता है वो भी आपका ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो जनरली जो कंप्यूटर में होता है जीव फाइल या फिर रॉ फाइल जो होता है रार, ये भी आपका इसमें मोबाइल में सपोर्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पीडीएफ फाइल को भी आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर से आपके मोबाइल फ़ोन में आया उसको यदि आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप जो है किसी इमेज को पीडीएफ में बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ यदि आपका कोई भी कार्ड है या फिर आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्कैनिंग चालू कर देना, आपका जो डॉक्यूमेंट या फिर जो भी विजिटिंग कार्ड वगैरह है वो आपका स्कैन हो जाएगा, उसको आप पीडीएफ बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अभी हम जो कैमरा स्कैनर वाला ऑप्शन जो है इसको चालू करते हैं तो यहाँ पे स्कैन बटन पे क्लिक जैसे कीजिएगा, फर्स्ट टाइम यूज कीजिएगा तो आपको परमिशन देना होगा, अलाउ कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको जो स्कैन कर लेना। जैसे आप स्कैन कर लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है फाइनली ये जो जैसे आप कैमरा से कैप्चर करते हैं इसके ऊपर में एक क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा आपका यहाँ पर जो है पूरा 100% ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यदि आप अपना एरिया जो इसको मैं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एरिया को कुछ इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, जितना आपको एरिया लेना है इस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। और फाइनली जो आपको यहाँ पे जो ऊपर में टिक बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा आपका यहाँ पर जो है ये ऐड हो चुका है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। अब उसके साथ ही साथ यदि आप दूसरा भी कुछ स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिकर एक दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर में हम यहाँ पे एक बार स्कैन करते हैं तो फिर से यहाँ पे इसका हम स्कैनिंग कर लिए। अब इसी तरीके से आप इसको भी रिसाइज कर सकते हैं यदि आपको पूरा एरिया रखना है या फिर सिर्फ आप जो है जितना स्टिकर वाला एरिया है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से आप जो है इसको रिसाइज कर सकते हैं। फाइनली आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है तो फाइनली आपको डन बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो ये जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है तो नीचे में आपको दो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है आपको। फाइनली ये जो टिक का निशान दिखाई दे रहा है ऊपर में यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसको आप यहाँ पर नीचे में चाहो तो घुमा वगैरह सकते हो, साथ साथ यहाँ पर जो मैजिक टूल से दिया हुआ है यहाँ पर जा करके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से टिक बटन पर क्लिक कर देना है। फाइनली आपका जो फाइल सेव हो चुका है इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, दोनों एक पीडीएफ में आपका जो है बन। अब यहाँ पे जैसे आप किसी भी पीडीएफ को अगर इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो एक बार क्लिक करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी गैलरी में जो भी डॉक्यूमेंट ऐड किया हुआ वो आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर 100% जैसे ज़्यादा पेज का रहेगा तो यहाँ पर परसेंटेज दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आपका जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे पावर पॉइंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आप जो है प्रेजेंटेशन तैयार भी कर सकते हो बना भी सकते हो। उसके लिए प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिटेल्स आएगा। कुल मिला के ये सभी फाइल को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं यदि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सीधा आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद फिर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है डॉक्यूमेंट रीडर, तो जैसे आप डॉक्यूमेंट रीडर टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे आपको ढेर सारा जो एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ से यदि आप सेम एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद परमिशन वगैरह जो भी मांगेगा आपको अलाउ कर देना है, तब जा करके आप इसको यूज कर सकते हैं।